ये है पोपट, ये देखो उमर ने अपना है पोपट, ये लो उमर उड़ाओ उसे। ठीक है जी, ये ईद के सूट हैं, तो ये बाहर मुल्क से हमारी बुआ जी हैं साबरा फुआ। ठीक है, हमारी इस भतीजी को ना ये कलर बहुत ज्यादा पसंद है और हमारे भतीजे को ये कलर पसंद है, तो ये आपके लिए ईद ही। ठीक है, ये ईद के कपड़े भी हैं और मिठाई भी। यार मैं आज कैसा लग रहा हूँ? अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाई, ठीक रहो? बाहर शुरू फुल रात के भी लोग करते हैं, हमें करते हैं स्टार्ट, हमारे भी लोग लाइक करिए, शेयर करिए, फॉलो करिए और जरूर करिए। हाँ मलकू साहब भी आ चुके हैं। हाँ मलकू साहब, पैसे लिए आपने? वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, स्कूल जा रहे हो? चलो सही है। हादी अंदर, अच्छा बुलाओ उसको भी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, कल जो नलका लगाया था उसका नीचे अभी जो है ना खादा बना रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये खाल जो है ना मुकम्मल हो चुका है। ये मोहसिन सईद, मिस्टर मोहसिन सईद साहब ने ये हैंडपम्प लगवा के दिया है अल्ताफ भाई को, और ये हैं अल्ताफ भाई, क्या हाल है जी? अदा करते हैं। हाँ बस शुक्रिया अल्लाह पाक का, हाँ ये अल्लाह की रजा के लिए, हमारा शुक्रिया नहीं है ना भाई, ऐसा ही है ना। हाँ अल्लाह पाक देने वालों का देना कबूल फरमाए, बेशक सही बात है, और उनको अजर दे। हाँ अल्लाह पाक ही करता है, उनके दिल में भी कुछ पैदा करता है, तो सही बात है बिल्कुल। तो प्यारे दोस्तों, ये है कि हमारी काविश अल्लाह पाक कबूल करे, और जिन्होंने ये चीज़ दी है इनको उनका देना कबूल करे, अल्लाह पाक उनके रिस्क में बरकतें अता करे। तो अभी चलते हैं मस्जिद का जो है ना वाशरूम का, नीचे WC वगैरह टूटा हुआ है तो उसको रिपेयर करना है, हमारी वहाँ मोहसिन सईद के घर के करीब मस्जिद है ना भाई, चलें फिर। हाँ चलते हैं, क्योंकि एक वाशरूम पहले सेट किया था वो चल रहा है, तो दूसरे वाले को अभी वहाँ पर ज़रूरत तो है, इस वजह से फिर दूसरा जो वाशरूम है उसको भी सेट कर रहे हैं। तो अभी पहले दरवाजा वगैरह नहीं था ना, तो फिर तोड़ दिया था, पहले लगा हुआ था। जी जी हाँ, तो अभी दरवाजा अल्हम्दुलिल्लाह बनवा लिया है, वो भी लगाएंगे और WC वो भी सेट करेंगे। जी जी, वो भी चालू हो जाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि काफी टाइम पहले उसको मैंने नया तैयार किए थे वो वाशरूम, लेकिन बच्चों ने ना वो पत्थर वगैरह मार के तोड़ दिए थे, तो दरवाजा वगैरह भी नहीं था, तो अभी दरवाजा उसका अभी लग गया है, तो उसका नीचे का जो सेटिंग है वो फिर कर देते हैं न्यू, तो इंशाल्लाह नमाजियों के लिए आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह। लग रहे ये है बूटी का फूल, ये है उज़्मा, ये है एलिजा, ये है आम, वो है शतूत, ये है हमारी सब्जी मदन में, यहाँ पानी लगाया हुआ है, हमारी कितनी बड़ी बड़ी हुई है। ये है, ये है पके, ये हमारी सब्जी उमर पोपा टप रहा है, ये अपनी चल रहे हैं उमर से, वो भी है वो, मैं पढ़ता हूँ चले, मुझसे देखता हूँ, मुझसे कुछ है तो होते नहीं होते है, देखते हैं चलो। मोराल बोला बोला ये उसे दिल पापा पटपटी पपटी
चूड़ी को पड़ता हूँ, चलो चूड़ी चूड़ी को पड़ता हूँ, चलो चूड़ी को लुक लुक कर वो जा रही है पीड़ी पीड़ी मर वो खड़ा है उससे नहीं अपीच रहे हैं। देखो मुझसे नहीं कोशिश ही, अब चलते हैं घर की तरह। अब तुमको पोपट दिखाऊंगा, जल्दी करो बोखड़े हैं पोपट है? ये क्या काट रहे हो पोपट? पोपट टपड़ा है अभी जानू मेरे को नहीं देना। वो 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 खड़ो 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 मर 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 जल्दी करो जल्दी करो। ये है पोपट, ये देखो मरने अपना है पोपट, ये लो मर उड़ाओ उसे। ओ यार नहीं उड़ा, रुक गया यार, यार ये उड़ा है मर 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 लिजा लिजा कैमरा पड़ो ना जरा सीधा पड़ो। अस्सलाम वालेकुम मैं ठीक रहा बार रोक्स रहा तू रात का व्लॉग कर जाए था वो बैठा पोपट सब पता वो हाथ में आ गया अभी ये देखिए ये क्या है पोपट। हाँ जी जी तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम पहुंच चुके हैं मस्जिद, तो यहाँ पर जो वॉशरूम का काम करना था वो इंशाल्लाह चलते हैं करते हैं। मदनी साहब भी यहाँ पर आ चुके हैं, ये सामने जो हमारे वॉशरूम थे दो, एक वॉशरूम तो पहले चालू किया था, दूसरा जो है ना ये वाला इसको दरवाज़ा नहीं लगा हुआ था, तो कल इसका दरवाज़ा भी लग चुका है अल्हम्दुलिल्लाह से। और इसका जो अंदर का ये WC था ये तोड़ दिया था किसी ने पत्थर मार के, तो अभी ये नया लगाते हैं इंशाल्लाह। और अभी मदनी साहब यहाँ पर मसाला बना रहे हैं इंशाल्लाह, ये मसाला तैयार करते हैं तो ये फिटिंग वगैरह इसकी शुरू करते हैं इंशाल्लाह। मसाला जी बनाया जा रहा है माशाल्लाह से। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा ये वाला वॉशरूम भी कंप्लीट हो चुका है, ये हमने इसमें न्यू लगा दिया है WC और इसका नीचे वाला सिस्टम जो था अब इसको चालू कर दिया है, कल तक इंशाल्लाह ये काबिल इस्तेमाल होगा। तो अभी थोड़ा सा एहतियात करना होगा आज का दिन, क्योंकि ये सीमेंट वगैरह न्यू लगा हुआ है तो पानी से ये बह जाएगा। खैर अब ये दरवाज़ा लगा हुआ है तो इसको बंद कर देंगे तो फिर ये एहतियात इसकी हो जाएगी, ये दरवाज़ा ना होता तो फिर ख़तरा था कि कोई ना कोई आके इसको पानी बहा देता है इसमें। चलें खैर अब खैर से ये कंप्लीट हो चुका है। चलें जी मुफ्ती साहब आपको इसके लिए भी मुबारकबाद दे तो हम जो नमाजियों से ज्यादा जो है ना मुफ्ती साहब को परेशानी होती। बात भी ये है कि जो एनी टाइम मौजूद होता है ना तो उसको ज्यादा फिक्र होती है। हाँ, तो दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जमात तबलीगी जमात का अभी रुख होता है तो जब आते हैं तो फिर ये परेशानी हो जाती है। अभी ये गुसलखाना भी सेट हो जाए ना तो फिर ये आसानी हो जाएगी उनके लिए, क्योंकि जाहिर सी बात उन्होंने कपड़े भी धोने होते हैं, नहाना भी होता है, तो ये भी ज़रूरी है। तो चलें खैर अल्लाह पाक करम करेगा इंशाल्लाह। और ये मुफ्ती असमतुल्लाह साहब हैं, मैं अपने देखने वालों से गुजारिश करूँगा कि अगर आप ऑनलाइन ट्यूशन के लिए ख्वाहिशमंद हैं तो मुफ्ती साहब से रबता कर सकते हैं। इनका जो व्हाट्सएप नंबर है मैं नीचे दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में या फिर स्क्रीन पे चल रहा होगा इनका नंबर, तो आप जो है ना ऑनलाइन ट्यूशन के लिए इनसे रबता कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये इस मस्जिद के खादम तो हैं लेकिन वो भी मुफ्त के, मतलब इनको कोई यहाँ से आमदन या तनख्वाह वगैरह नहीं मिलते, अल्लाह की रजा के लिए खिदमत कर रहे हैं। तो चलो ये कि अगर कोई ट्यूशन के लिए इनसे रबता करना चाहे कुरान पाक का या इस्लामिक हवाले से कोई मसला मसाइल या सवालात पूछना चाहें, है ना मुफ्ती साहब, इस तरह का हो सकता है ना?
हाँ, किसी भी मसले मसाइल के लिए आप रब्ता कर सकते हैं मुफ्ती असमतुल्लाह साहब से। जुमा नमाज के लिए हो चुके हैं तैयार, तो अभी चलते हैं इंशाल्लाह जुमा नमाज अदा करके आते हैं जामे मस्जिद की तरफ। हमारी बाइक भी यहाँ पर खड़ी हुई है, तो अभी निकलते हैं क्योंकि बाकी टाइम रह रहा है गालिबन कोई आधा घंटा जमात में से, जमात में से आधा घंटा रह रहा है, तो चलते हैं कुछ देर वहाँ तकरीर भी सुन लेंगे, कुछ एक नया सबक ज़िंदगी गुजारने का मिल जाएगा, तो कुछ वहाँ मस्जिद में बैठ के जिक्र अज़कार भी कर लेंगे, तो चलते हैं हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह जी, जुमा नमाज़ से वापस आ चुके हैं, तो अभी चलते हैं शहर की तरफ, और उमर भाई भी आ चुके हैं, मैंने इनसे कहा था कि शहर जाना है तो साथ चलते हैं इंशाल्लाह अल-अज़ीज़। चलो ये थोड़ी सी आउटिंग हो जाएगी, तो क्या हाल है जी, खैर आफियत है, ठीक हो, मिजाज ठीक हैं, तो चलें फिर इंशाल्लाह। चलें जी, चलते हैं शहर की तरफ इंशाल्लाह अल-अज़ीज़। चंगा जवान है, अल्लाह पाक तेरे को जज़ाए खैर दे। जी तो शहर से अभी वापसी पर हम यहाँ पर एक गरीब और क्या कहते हैं यतीम फैमिली है, तो काफ़ी दफ़ा उनके पास हम पहले भी पहुँचा चुके हैं राशन वगैरह और कुछ नकदी भी, लेकिन अभी जो है ना ईद का ये मुबारक मौका है, तो आज हम जो है ना इनके लिए कुछ कपड़े लेकर के आए हैं और मिठाई लेकर के आए हैं, और उमर भाई भी साथ हैं जैसे कि मैंने आपको बताया पहले भी, तो अभी जो है ना बुज़ुर्ग आ रहे हैं, तो चलते हैं उन बच्चों के हवाले करते हैं ये चीज़ अमानत। और ये जो है ना उस्ताद साहब जो है ना नमाज़ पे गए थे, आ चुके हैं माशाल्लाह, रोशनी की वजह से शायद क्लियर ना नज़र आ रहा हो। तो जी तो हमने ये एक पैकेट मिठाई का, और ये एक दो तीन और ये चार सूट, ये चार सूट इनको दे रहे हैं। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर ये दो हमारी बच्चियाँ माशाल्लाह से मौजूद हैं, और बाकी बच्चे जो है ना मदरसे गए हुए हैं, तो वो मदरसे से कब आएंगे उस्ताद जी? कल आएंगे। अच्छा सही, चलो माशाल्लाह, चलो ठीक है इंशाल्लाह जो है ना वो भी आ जाएंगे। ये एक पैकेट मिठाई का है, सही है, ये लें, और ये चार सूट हैं इन बच्चों के लिए, ठीक है, ये एक वो लड़के के लिए है और ये तीन लड़कियों बच्चों के लिए हैं, ठीक है जी, ये ईद के सूट हैं, तो ये बाहर मुल्क से हमारी बुआ जी हैं साबरा फुआ, ठीक है, ये उन्होंने भेजे हैं इन बच्चों के लिए, तो उनके नमाज में दुआ में उनको याद रखना है, ठीक है जी, जज़ाकअल्लाह खैर, अल्लाह पाक जज़ा दे और दुआ में याद रखेगा, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह प्यारे दोस्तों, अभी हम पहुँचे हैं एक और यतीम फैमिली के पास, ये दो यतीम बच्चियाँ हैं, तो इनके लिए हम ईद के सूट लेकर गए हैं ये, और मिठाई भी, ये ले बेटा, हाँ ये एक सूट आपका है और एक इनका, ठीक है, ईद के सूट हैं, तो आपने जो है ना हमारी साबरा बुआ हैं बाहर मुल्क से, उनके लिए ना दुआ करनी है, ठीक है सिस्टर, हाँ आपने उनके लिए दुआ करनी है इंशाल्लाह वाला दिन, आमीन 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 इंशाल्लाह। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह प्यारे दोस्तों, अभी हम एक और फैमिली के पास पहुँचे हैं, तो इनके पास जो है ना, ठीक, तो जी इनके लिए लेकर गए हम एक सूट और मिठाई, तो ये इन दादाजी के पोते और पोती हैं, तो ये इनके लिए सूट हैं, मुझे पता था कि हमारी इस भतीजी को ना ये कलर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो और हमारे भतीजे को ये कलर पसंद है, तो ये आपके लिए ईद ही, ठीक है, ये ईद के कपड़े भी हैं और मिठाई भी, तो आपने जो है ना इंशाल्लाह हमारी साबरा बुआ हैं बाहर मुल्क से न्यूजीलैंड से, उनके लिए, और नरीजा सिस्टर हैं उनके लिए ना दुआओं में याद रखना है, दुआ करनी है कि अल्लाह पाक उनको ये जितना भी उन्होंने खर्च किया है अल्लाह पाक कबूल करे और उनके रिज़्क माल में बरकत अता करे, ठीक है, जज़ाकअल्लाह। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह प्यारे दोस्तों, अभी वापसी घर आ चुके हैं और असर की नमाज का टाइम तकरीबन गुजर रहा है, तो सबसे पहले नमाज पढ़ लेते हैं, बाकी गल्लां बाद है। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह प्यारे दोस्तों, हमने नमाज अदा कर ली है, तो जैसे कि आपने देखा हमने कुछ यतीम बच्चों तक कपड़े और मिठाई पहुँचा दी है, और
बाकी जो है ना यहाँ पर मौजूद हैं कपड़े, ये मर्दाना सूट भी हैं, जनाना भी हैं, क्योंकि हमने टोटली लिए थे 25 सूट और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है इनके। ये देखें जी माशाल्लाह से ये मुख्तलिफ कलर और मुख्तलिफ डिज़ाइन के ये सूट लेकर के आए हैं हम। तो ये 3 पीस सूट हैं माशाल्लाह से, ये देखें बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है माशाल्लाह। तो चलो ईद के दिन हैं, यतीम बच्चियां हैं, बच्चे हैं, तो ये पहनेंगे, खुश होंगे और हमारे हक में और देने वालों के हक में दुआएं करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। और इसी तरह जो है ना ये मर्दाना सूट भी हैं, क्योंकि 10 सूट हमने मर्दाना लिए थे, ये मुख्तलिफ इसके जैसे कलर हैं, इसमें ये दो दो सूट, ये दो, ये इस तरह से जो है ना ये सारे, अब फैला नहीं रहा हूँ। अच्छा तो सुबह जो है ना ये बाकी बच्चों के हवाले करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो ये कम्प्लीटली हमने 25 सूट लिए थे, 25 सूट में से तकरीबन हमने गालिबन 8 सूट दे दिए हैं और 17 हमारे पास मौजूद है और मिठाई भी मौजूद है। तो सुबह इंशाल्लाह ये बाकी जो फैमिली है उन तक पहुंचाएंगे। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये मुख्तसर सी वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आप हमारी वीडियो मुकम्मल तौर पर देख चुके हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने प्यारों के साथ। तो हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।